हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? और वेलकम बैक टू माय चैनल. और आज है करवा चौथ, तो सबको हैप्पी करवा चौथ. करवा चौथ की बहुत सारी बेस्ट विशेस. जिन्होंने भी फास्ट रखा है, भगवान उनको बहुत सारी जो भी वो मांग रही हैं सारी इच्छाएं पूरी करे. और उनके लाइफ पार्टनर के साथ उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे. और सबके यहाँ इस फास्ट की पूजा अलग अलग होती है. मोस्ट ऑफ द पंजाबीज की अलग होती है और हम लोग की अलग होती है. सबकी अपनी अपनी पूजा करने का अपना अपना एक तरीका होता है. तो बेसिकली मैंने भी अपनी पूजा का जस्ट अभी सब अपना करवा वगैरह लगाया है. और वही चीज़ है, वही होता है कि सबके अपने अपने कल्चर है. तो हम लोग कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर दिखाऊंगी. हेलो गाइस, तो मैंने अपना करवा जमा दिया है. एक करवा मैंने बेसिकली इवनिंग के लिए रख दिया है, जिसको हम चंद्रमा को देख के रख देंगे जिससे. और एक करवा मैंने अपने सूरज को रख देने के लिए रख दिया है जिससे. और मैंने इन दोनों करवों पे 13-13 टिकलियाँ लगा दी हैं, टीके लगा दिए हैं. और श्रृंगार का सामान भी रख दिया है, फल भी रख दिए गए हैं. और बाकी जो बायना होता है बेसिकली वो हमारे यहाँ शाम को पूजा जाता है, तो वो भी मैं शाम को उसमें रख दूंगी. तो आप लोग बने रहिएगा. और कि हम लोग कैसे अपना कथा पढ़ते हैं और कैसे तैयार होते हैं, तो वो भी मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगी. और हम लोग ये 2:30 बजे के टाइम कथा पढ़ते हैं, तो 2:30 वाली वीडियो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी. तो आप हमें बताइएगा कि हम लोग कैसे रख रहे थे. और बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में पूजा वाली वीडियो में मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं बस सिंपल से पूजा करती हूँ. तो वो मैंने आपको दिखा दिया है. और एक बार छोटी सी वीडियो में बना देती हूँ मैं आपको, ताकि आप देखें और आपको आइडिया लग जाए. हेलो गाइस, तो हम चल दिए हैं कथा पढ़ने, कथा सुनने. और आज हमने ये प्लान किया था. वैसे तो मैं हमेशा मेरी मदर लोग के साथ ही बैठ के सुन लेती थी, पर आज हमने ये प्लान किया था कि हम लोग मतलब सब बहुएं बहुएं एक साथ सुन लेंगे. तो इसीलिए हम लोग कीवी हाउस जा रहे हैं, मेरे जेठाने के घर पे जा रहे हैं. तो मिलते हैं उन्हीं के साथ कथा पढ़ते हुए. तो आप देख रहे हैं कि हम लोग सब बैठ गए हैं और अपनी अपनी पूजा और कथा शुरू करने जा रहे हैं. और सब ने अपनी थाली रख ली है और इसके बाद हम कथा सुनेंगे. और हम लोग सब फैमिली मेंबर्स थे, कहीं बाहर हमने ये कथा नहीं सुनी, अपने घर में ही ये कथा सुनी थी. तो आइए और हमारे साथ हमारी कथा सुनिए. हमारे यहाँ क्या होता है कि कथा या तो पंडित जी सुनाते हैं या आप किसी कुआरी कन्या से भी ये कथा सुन सकते हैं. तो हमारे पास पंडित जी वाला ऑप्शन भी नहीं था और जो कुआरी कन्या थी वो भी नहीं थी. मतलब क्योंकि मेरी मेड को कथा पढ़नी नहीं आती थी और जो देवी थी वो छोटी है, उसको अभी पढ़ना नहीं, इतनी टिपिकल हिंदी वो पढ़ नहीं पा रही थी. तो ये कथा बेसिकली हमने हमारी मेरी जेठानी की मम्मी जी से सुनी, उन्होंने हमें कथा सुनाई थी. हमने यहाँ कथा सुन ली. कथा को मैं डाल नहीं पाई हूँ क्योंकि उसमें फिर कॉपीराइट क्लेम ये वो सब कुछ आ जाता. तो कथा सुनने के बाद हम यहाँ पे सूरज को जल देने गए हैं. बेसिकली हमारा पहला अर्घ सूरज को दिया जाता है. एक कलश हमारा उठता है सूरज को अर्घ देने के लिए, दो रखते हैं ना, और एक अर्घ हम चंद्रमा को देते हैं. तो यहाँ हम सब एक एक करके सूरज को प्रणाम कर रहे हैं और उनको जल का अर्घ दे रहे हैं. तो हम सब चंद्रमा के वेट में हैं कि आ जाओ भाई चंद्रमा. में बहुत भूख नहीं लग रही है मुझे, मुझे सिर्फ प्यास लग रही है. और देखो हम भूखे रहते हैं. क्या आपने आज फास्ट रखा है? हाँ मैंने रखा है, मैंने पिछले 2 घंटे से कुछ नहीं खाया. इससे गंदा जो कुछ नहीं हो सकता.
तो बेसिकली मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं, बायने वगैरह सब अपना तैयार कर लिया है, बस चंद्रमा का वेट कर रही हूँ, फिर मैं बायने निकाल दूंगी और फिर ऊपर जाएंगे चांद को रख देंगे। तो आप सभी बताना कमेंट करके कि आपको कितनी भूख लग रही है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक, मैं फुल तैयारी में हूँ अपनी और बस इतनी पड़ी है, मैं प्लेट भी लगा रही हूँ अभी। तो गाड़ी हम लोग चल रही है और ये देखो हाँ चलती बायने का सामान दे रहे हैं। हेलो, ये आए हैं जीतू और नोनू से हाय से हाय। ये